ट्यूनिंग स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लास 11th की फिजिक्स का अगला वीडियो लेक्चर है। जी हाँ, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी फिजिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। आपने ये शब्द पहले भी सुना है, बिल्कुल सही। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये वीडियो लेक्चर केवल और केवल 11th क्लास के स्टूडेंट्स के काम नहीं आएगा, ये बल्कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आने वाला एक वीडियो लेक्चर है। क्योंकि जो ये चैप्टर मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है ग्रेविटेशन, ये चैप्टर एक्चुअली में पहले आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। तो ये वीडियो लेक्चर में की जाने वाली हर बात 9th क्लास के स्टूडेंट्स को भी काफी हद तक अपनी चीजों को समझने में मदद करेगी, लेकिन 11th क्लास के स्टूडेंट्स को तो काफी ज्यादा मदद करेगी क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम 11th क्लास के स्टूडेंट्स के नजरिए से भी देखेंगे। सो दिस वीडियो लेक्चर ऑफ द चैप्टर कॉल्ड ग्रेविटेशन इज मेंट फॉर बोथ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड क्लास 11th। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन समझते हैं कि एग्जैक्टली चैप्टर बात किस बारे में कर रहा है। तो देखिए, इससे पहले आप लोग एक चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसका नाम था लॉज ऑफ मोशन, एंड हमने उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फोर्स। और फोर्स क्या होता है ये आप सब जानते हैं, दैट फोर्स इज अ पुश और अ पुल विच कैन ब्रिंग एनी काइंड ऑफ बदलाव इन एनी पर्टिकुलर बॉडी। यानी फोर्स एक प्रकार का पुश है या फिर एक प्रकार का पुल है जो किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, किसी भी एक पर्टिकुलर बॉडी में कोई बदलाव ला सकता है। वो बदलाव या तो उसकी पोजिशन का बदलाव हो सकता है, वो बदलाव या तो उसकी गति का बदलाव हो सकता है, वो बदलाव या तो उसकी दिशा का बदलाव हो सकता है, एंड यहां तक कि ऑब्जेक्ट की शेप और ऑब्जेक्ट के साइज में भी बदलाव आ सकता है। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक अलग प्रकार का फोर्स है। तो इससे पहले कि हम उस फोर्स के बारे में बात करें, लेट अस टॉक कि फोर्सेस को क्लासिफाई कैसे किया गया। कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो अपना प्रभाव दिखाने के लिए, आई रिपीट माई सेंटेंस, कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो अपना प्रभाव दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आते हैं। मतलब सर, आप कहना क्या चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज कीजिए मुझे गाड़ी को धक्का लगाना है, तो क्या मैं बिना गाड़ी को छुए धक्का लगा सकता हूं? नहीं। यानी गाड़ी को धक्का देने के लिए गाड़ी के पीछे आकर खड़े होने वाला कोई भी व्यक्ति जो गाड़ी को धक्का देने की कोशिश करेगा, उसे गाड़ी को छूना तो जरूर पड़ेगा। तो जब तक वो नहीं छुएगा गाड़ी, कैसे वो धक्का देगा गाड़ी को? यानी उसके द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स को गाड़ी के कॉन्टैक्ट में आना पड़ रहा है। इस प्रकार के फोर्सेस आर कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्सेस। यानी जो फोर्सेस दो बॉडीज के आपस में कॉन्टैक्ट आने के कारण लगते हैं, या जिस फोर्स के दौरान एक बॉडी दूसरी बॉडी पे अपना फोर्स लगाती है उसके कॉन्टैक्ट में आके, इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं जिसमें दो बॉडीज एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आती, फिर भी एक दूसरे पे अपना प्रभाव डाल पाती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बचपन में हमने पढ़ा है कि दो मैग्नेट के पीसेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए बिना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रेपेल करते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज के नजदीक आकर बिना उसे छुए रेपेल कर सकता है। एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को बिना उसे छुए, बिना इसके कॉन्टैक्ट में आए उसे अट्रैक्ट कर सकता है। तो मैग्नेट के द्वारा लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स को, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, चार्जेस के द्वारा, प्रोटॉन्स के द्वारा लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कहा गया है फिजिक्स में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। यानी एक ऐसे फोर्सेस है जो अपना प्रभाव डालने के लिए, अपने प्रभाव की शक्ति दिखाने के लिए दूसरी बॉडी के कॉन्टैक्ट में नहीं आते। ठीक उसी प्रकार आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में एक फोर्स और है जो एग्जिस्ट कर रहा है। यानी न्यूटन ने एक लॉ के बारे में बताया और उस लॉ को न्यूटन ने कहा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जब ये बात न्यूटन के द्वारा रखी गई, जब ये बात दुनिया को पता चली, तो इस लॉ के अंदर कुछ बातें कही गई कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली बताना है चाहता एक ऐसे फोर्स के बारे में जो पूरे विश्व भर में, पूरी दुनिया भर में कोई भी दो वस्तुओं के बीच में लग रहा है। That is why इसे यूनिवर्सल कहा गया, क्योंकि ये कोई भी दो वस्तुओं के बीच में, कोई भी दो बॉडीज के बीच में, दो से अधिक भी लग सकता है। सो द फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ दिस यूनिवर्स विच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दुनिया की कोई भी दो वस्तुओं के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है और वो दो वस्तुएं एक दूसरे से कुछ दूरी पे सेपरेटेड है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैज बीन कॉल्ड एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर, आप कह रहे हैं कि दुनिया की कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, हमें तो कभी नजर नहीं आता, क्या हमें कभी
एक कमरे में पड़ा हुआ सोफा अलमारी की तरफ जाता हुआ नजर आया? नहीं। क्या हमें सोफा घड़ी की तरफ जाता हुआ नजर आया? नहीं। अरे भाई, इस समय आप मुझे देख रहे हैं, अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो क्या आपका मोबाइल आपकी तरफ आ रहा है? नहीं। क्या आपका लैपटॉप आपकी तरफ आ रहा है? नहीं। क्या मैं किसी और की तरफ जा रहा हूं? नहीं। तो फिर ये कैसा फोर्स है जो है भी और नजर भी नहीं आ रहा? यही इसकी सच्चाई है। लेकिन आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों है। देखिए, फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है कि है ही नहीं। फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है परंतु इतना छोटा है कि उसका प्रभाव नजर नहीं आ रहा। तो फोर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट आप मेरी तरफ, मैं आपकी तरफ, या कोई चीज किसी और की तरफ, या कोई चीज किसी और की तरफ आती हुई, जाती हुई, खिसकती हुई नजर हमें नहीं आ रही। ऐसा केवल और केवल इसलिए क्योंकि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो दुनिया की कोई भी दो वस्तुओं के बीच में काम कर रहा है, ये अपना प्रभाव हमें केवल और केवल तभी दिखा पाएगा, या हम इसके प्रभाव को केवल और केवल तभी देख पाएंगे जब कोई शक्तिशाली चीज, कोई पावरफुल चीज, कोई शक्तिशाली ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर अपना प्रभाव लगाएगा। मतलब कि अगर सपोज कीजिए कि मैंने अपने हाथ में इस डस्टर को रखा है और अपने हाथ में इस पेन को रखा है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे। लेकिन अगर मैं इसी समय इस डस्टर को रिलीज कर दूं तो ये नीचे की तरफ गिरेगा। आप देख रहे हैं, यानी इसको अगर मैं रिलीज करता हूं तो ये नीचे गिरता है। दिस मीन्स कि ऊपर से रिलीज करने पर कुछ तो था जो उसे खींच रहा है। बिल्कुल सही। आपकी बात बता दूं मैं कि हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इट इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स सच दैट द मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इज m1 and the mass of the other body is m2 and they both are separated by some distance r. तो दुनिया की कोई भी दो वस्तुओं के बीच में exist कर रहा है एक force जिसे नाम दिया है न्यूटन ने universal force या universal law या force of gravitation. तो what is gravitational force? Nothing simple, nothing difficult, very logical. बहुत simple आपको समझना है that according to the force of gravitation, it is a force which is acting between any two objects of the universe such that the two objects are separated by some distance. यानी कोई भी दो वस्तुएं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर है मौजूद, कोई भी दो वस्तुएं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर है मौजूद, लगा नहीं है एक दूसरे पे एक आकर्षण की ताकत, उस आकर्षण के ताकत को कहा गया है ग्रेविटेशन का फोर्स। गुरुत्वाकर्षण नाम भी दिया जाता है कभी कभी। तो आपको एक चीज क्लियर हो गई कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है क्या। लेकिन न्यूटन ने इस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में दुनिया के सामने कुछ बातें रखी, कुछ लॉ दिए, इसी को लॉ के रूप में प्रेजेंट किया गया। और वो क्या कहता है तो ध्यान से सुनिए। तो एज पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इफ वी हैव एनी वन बॉडी, लेट अस से हमारे पास कोई भी बॉडी है जिसका मास है m1 और हमारे पास एक दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2 और m1 और m2 दोनों एक दूसरे से कुछ r की दूरी पर सेपरेटेड है। सो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ बोथ द बॉडीज एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द बॉडीज। यानी इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट के, और इन दोनों बॉडीज के बीच में एग्जिस्ट करने वाला फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द बॉडीज है। F is directly proportional to m1, m2 and F is inversely proportional to r square. अगर आप 11th class के student हैं तो ये आप 9th class में भी पढ़कर आए हैं, और अगर आप 9th class के student हैं तो आज आप पढ़ रहे हैं इस चीज को, तो ये revise हो रहा है। This topic is getting revised for 9th standard students as well as for 11th standard students because ये आपके लिए काम आएगा, बहुत important है। तो दोनों को हमने combine किया, हमें मिला F is directly proportional to m1, m2 divided by r का square. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर यहां पे एक कांस्टेंट लगाया जाता है, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं कैपिटल जी, जिसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो गौर से देखिए एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा। तो एक्सप्रेशन बन जाएगा एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी, पहली बॉडी का मास, दूसरी बॉडी का मास, दोनों बॉडी के बीच की दूरी का स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन एनी टू बॉडी, जिनका मास था हमें पता, जिनकी दूरी थी हमें पता, हमने लगा लिया उनके बीच में कि कौन सा फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है उसका पता। यस सर। So this is a very very simple expression as per the universal law of gravitation कि दुनिया की कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं इस फोर्स के तहत, जहां पे m1 का मतलब है मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी, m2 का मतलब है मास ऑफ द सेकंड बॉडी। तो हम लिख सकते हैं कि m1 का मतलब है पहली बॉडी का मास, बहुत सिंपल शब्द बताऊंगा, m1 का मतलब है पहली बॉडी का मास, और m2 का मतलब है दूसरी बॉडी का मास, बहुत सिंपल शब्द में लिखूंगा m2 का मतलब है दूसरी बॉडी का मास,
और दोनों के बीच की दूरी है हमारे पास r, और g का मतलब होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपको जो बात मैं सिखाने हूं जा रहा, जो बात मैं समझाने हूं जा रहा, उस पे आप फोकस कीजिए। इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻¹¹। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। सवाल आता है सर यूनिट क्या होती है, आइए बात करते हैं यूनिट की। तो आपको एक फॉर्मूला पता चल गया, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि ये क्या समझाना चाह रहा है। तो अगर हम यूनिट की बात करें तो गौर से देखिए हमारा एक्सप्रेशन, मैं आपके लिए रीराइट करूंगा और इस एक्सप्रेशन को रीराइट करके मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या चीज हमारे लिए समझना जरूरी है। तो देखिए मैंने कहा F is equal to G, पहली बॉडी का मास, दूसरी बॉडी का मास, दोनों बॉडी के बीच की दूरी का स्क्वायर। M1 की यूनिट होती है kg, M2 की यूनिट होती है kg, R की यूनिट होती है मीटर का स्क्वायर, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो हम यहाँ पे सिंपल शब्दों में लिखेंगे कि न्यूटन इज इक्वल टू जी, पहली बॉडी के मास की यूनिट, दूसरी बॉडी के मास की यूनिट, डिवाइडेड बाय दोनों बॉडीज के बीच की दूरी की यूनिट का स्क्वायर। और वी कैन से दैट जी की यूनिट विल बी इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए ध्यान से, ये मीटर स्क्वायर यहां जाएगा और केजी स्क्वायर नीचे आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जी की वैल्यू है 6.67 × 10⁻¹⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और या फिर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, द कॉन्सेप्ट स्टिल रिमेन्स द सेम। हमने एक बेसिक चीज अभी समझ ली है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। आज के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन आए दैट देयर इज अ बॉडी ऑफ मास m1 इतना, there is a body of mass m2 itna, and both the bodies are separated by some distance un dono ke beech mein jo diya hua hai, so calculate the value of the force of gravitation। aankh band karke bina kuch soche samjhe direct aap formula lagaiye, F is equal to g m1 m2 by r square, jahan pe g ka matlab hai gravitational constant, m1 ka matlab hai pehli body ka mass, m2 ka matlab hai dusri body ka mass, r ka matlab hai dono bodies ke beech ki duri। ab man mein sawal uth raha hai ki sir आपने ये बता दिया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है क्या, आपने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब समझा दिया, लेकिन सबसे बड़ा मन में डाउट ये है कि भाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट ये कहती है कि दुनिया की कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर रही है, हमें तो कुछ एक दूसरे की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, हमें तो केवल और केवल चीजें पृथ्वी की तरफ जाती नजर आती है। इसका मतलब कि हमारी दुनिया तो पृथ्वी में ही है, क्या हमारी दुनिया पृथ्वी के बाहर है, हम रोज अर्थ के बाहर तो नहीं जाते। तो जिस दुनिया में हम मौजूद हैं, जिस ग्रह पे हम मौजूद हैं, उस ग्रह पे सबसे ज्यादा भारी तो ग्रह ही है, क्या पृथ्वी पे पृथ्वी से ज्यादा भारी कुछ है? ऑब्वियस सी बात नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पे पृथ्वी से ज्यादा भारी कुछ है नहीं, इसलिए पृथ्वी पे मौजूद हर वस्तु के ऊपर सबसे ज्यादा आकर्षण भी लगाती है पृथ्वी। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, क्योंकि पृथ्वी ग्रह पे पृथ्वी से ज्यादा भारी है नहीं कुछ, इसलिए पृथ्वी ग्रह के द्वारा पृथ्वी पे मौजूद हर चीज के ऊपर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण ही सबसे अधिक है। यही रीजन है कि हमें कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे की तरफ जाती हुई नजर नहीं आती, लेकिन हर वस्तु जिसे पृथ्वी से दूर ले जाया जाए वो पृथ्वी की ओर जाती नजर आती है, क्योंकि पृथ्वी का मास किसी दूसरी वस्तु के मुकाबले है सबसे अधिक, इसलिए पृथ्वी की ताकत जो किसी दूसरी वस्तु पर लग रही है वो भी है सबसे अधिक, इसलिए पृथ्वी की ताकत का प्रभाव जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे हमें नजर आएगा वो भी है अधिक, और वो नजर आता है। यानी एक कुर्सी दूसरी कुर्सी को नहीं खींच पाएगी, लेकिन दोनों कुर्सियों को हवा में उछालो पृथ्वी उन्हें खींच लेगी। यानी पृथ्वी के द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण, लगाए जाने वाले फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की ताकत सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन ये आता है कि अर्थ के द्वारा अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जा रहा है तो फोर्स लगा रहा है अर्थ किस पे लगा रहा है, ऑब्जेक्ट पे। अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ के द्वारा फोर्स लग रहा है तो फोर्स के कारण कोई एक्सेलरेशन भी तो पैदा हो रही होगी, बिल्कुल हो रही होगी। तो अर्थ के द्वारा लगाए जाने वाला किसी भी ऑब्जेक्ट पे गुरुत्वाकर्षण हमेशा उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होता है। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम बात कर रहे हैं अब ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड बाय अर्थ, हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड बाय अर्थ। तो जो बात मैं आपको सिखाने जा रहा हूं उस बात को बहुत ध्यान सुनना, हम बात कर रहे हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यानी ग्रेविटेशन का जो फोर्स है ड्यू टू अर्थ कहलाता है, ड्यू टू अर्थ इज कॉल्ड एज ग्रेविटी, इज कॉल्ड एज
ग्रेविटी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ग्रेविटेशन और ग्रेविटी को मिक्स करते हैं। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में फर्क है। ग्रेविटेशन एक ऐसा शब्द है जो दुनिया की कोई भी दो वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ग्रेविटी केवल और केवल पृथ्वी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर कोई भी दो वस्तुओं के बीच में कोई फोर्स है काम कर रहा, तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। लेकिन अगर उन दो वस्तुओं में से एक वस्तु पृथ्वी है, तो पृथ्वी के द्वारा जो फोर्स है काम कर रहा, वो ग्रेविटी का फोर्स है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर पृथ्वी किसी चीज पे फोर्स लगाएगी, तो अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को छोड़ा और ये ऑब्जेक्ट रिलीज होकर पृथ्वी की तरफ आया, यानी इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचने के लिए पृथ्वी ने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगाया। इस ऑब्जेक्ट का पृथ्वी की तरफ जाते समय पृथ्वी के द्वारा कुछ फोर्स जो इस पे लगा, उसके कारण इसमें एक्सेलरेशन आई होगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे पृथ्वी की ओर जाते समय पैदा होने वाली एक्सेलरेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट में पृथ्वी की ओर जाते समय उसमें पैदा होने वाली एक्सेलरेशन को सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं कहते, उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। बिल्कुल सही आपने समझा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में पृथ्वी की तरफ जाते समय उसमें पैदा होने वाली एक्सेलरेशन को सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं कहते, उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, यानी अर्थ के द्वारा, मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, अर्थ के द्वारा लगाए जाने वाला फोर्स, अर्थ के द्वारा लगाए जाने वाला फोर्स। तो हमें ये पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ज्यादा सिंपल। लगाए जाने वाला फोर्स F इज इक्वल टू G इनटू मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। कि अगर सपोज कीजिए कि डायग्राम के अनुसार ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये अर्थ का सेंटर है, और जो ऑब्जेक्ट है वो यहां मौजूद है, ऑब्जेक्ट का मास m है, अर्थ का मास m ही है, और ऑब्जेक्ट की दूरी अर्थ के सेंटर से r e है। तो अर्थ के द्वारा उसके सेंटर से पैदा होने वाली ताकत जो उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी, यानी अर्थ के द्वारा पैदा होने वाला गुरुत्वाकर्षण, अर्थ के द्वारा पैदा होने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा उसके सेंटर से ओरिजिन लेता है। हमेशा याद रखना कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर से ओरिजिन ले रहा है। तो सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, r e, तो g m e r स्क्वायर। बट हम जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो g इनटू मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय, एक की जगह मैंने g लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि g इज द एक्सेलरेशन जो पैदा हो रही है इस ऑब्जेक्ट में, g इज द एक्सेलरेशन जो पैदा हो रही है इस ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी के कारण, दैट इज व्हाई इसको कहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। m o से m o कटा, सो देयरफॉर हमें मिला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैपिटल g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। दिस इज द रिलेशनशिप, आई रिपीट माय सेंटेंस, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन the acceleration due to gravity and the gravitational constant. This is the relationship between acceleration due to gravity and the gravitational constant. मेरी आपको suggestion है कि इसे एक बार देख लीजिए, ये expression आपके लिए बहुत जरूरी है, एक बार इसे आप note down करना चाहे तो आप इसे note down भी कर सकते हैं। तो this is something really very important, आपके लिए ये समझ आना जरूरी है। तो जो expression यहाँ पे आपको बताया गया है, उस एक्सप्रेशन में हमने डिराइव कर लिया, क्या डिराइव कर लिया भाई, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज, दैट इज वन इज स्मॉल जी एंड द वन इज कैपिटल जी। स्मॉल जी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। तो पृथ्वी के द्वारा लगाए जाने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए, एक की जगह जी, तो एफ इज इक्वल टू एम जी। इस एम जी को ऑब्जेक्ट का वेट माना जाता है, इस mg को ऑब्जेक्ट का वेट माना जाता है। मतलब आप कहना क्या चाहते हो सर, आप ये कहना चाहते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है ये एक्चुअली में वो फोर्स होता है जो पृथ्वी पे लगा रही है, जी हाँ। तो अगर आपका वेट आप नाप रहे हैं, तो आप जो अपना वेट नाप रहे हैं वो एक्चुअली में वो फोर्स है जो पृथ्वी आप पे लगा रही है, क्योंकि आप पृथ्वी पे खड़े हो गए, ये आपका एक्शन है, पृथ्वी ने आपको रिएक्शन दिया। तो पृथ्वी कहती है मैं बैलेंस करूंगी तुम्हें उतनी ताकत से जितनी ताकत तुम मुझ पर लगाओगे, तो जो तुम मुझको दोगे वो तुम बदले में मुझसे पाओगे। पृथ्वी कहती है जो ताकत तुम मुझ पर लगाओगे वो ताकत मैं तुमको दूंगी, जो वजन तुमसे मेरी और आएगा वही वजन मेरी और से तुम्हारी और आएगा। तो समझो जो मेरी और से तुम्हें आ रहा है वो वही है जो तुमसे मुझे आ रहा है। तो हम जो पृथ्वी को फोर्स ट्रांसमिट कर रहे हैं
अपने बॉडी के वेट की टर्म में वो पृथ्वी हमें रिटर्न कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स के बेसिस में। दैट इज वाई ये कहा जाता है कि पृथ्वी के द्वारा लगाए जाने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ही बराबर है बॉडी के वेट के। दैट इज एफ इज इक्वल टू एम जी। आई रिपीट माई सेंटेंस, एफ इज इक्वल टू एम जी। एम जी में एम मतलब मास, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एम जी इज द एक्सप्रेशन ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो दो चीजें हमने सीख ली है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है ये हमने जान लिया, ग्रेविटेशन का मतलब क्या है ये हमने जान लिया, पृथ्वी के द्वारा लगने वाले ग्रेविटेशन के फोर्स को ग्रेविटी कहते हैं ये हमने जान लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है ये हमने जान लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्सप्रेशन में आने वाला कैपिटल जी स्मॉल जी के साथ कैसे रिलेटेड है ये हमने जान लिया। नेक्स्ट चीज जो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, नेक्स्ट चीज जो आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज नथिंग बट अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी ये जो जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर आपने फॉर्मूला निकाला है इसकी हम डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किन चीजों के कारण प्रभावित हो सकती है। यस, ये जो टॉपिक अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं ये टॉपिक 11th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास वाले बच्चे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इस टॉपिक के बारे में जान सकते हैं। यानी हमारा अगला टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं दैट इज द टॉपिक ऑफ द फैक्टर्स एफेक्टिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के ऊपर प्रभाव डाले जाने वाले या ग्रेविटी के ऊपर जो बदलाव आ रहा है वो किन चीजों की वजह से आ सकता है, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ग्रेविटी को अफेक्ट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अफेक्ट कर सकते हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए जानते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक। चीज अब हम जो करने जा रहे हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। यानी हमारा जो ये अगला टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इस टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किन चीजों की वजह से प्रभावित हो सकती है। हमारे सिलेबस में मैं 11th क्लास की अगर बात करूं तो टोटल 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला हम पढ़ते हैं ड्यू टू हाइट, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस हाइट पर चला गया। जो दूसरा हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम ड्यू टू डेप्थ, यानी अगर ऑब्जेक्ट गहराई में चला गया। और तीसरा हम पढ़ते हैं ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे पास टोटल 3 फैक्टर है और इन 3 फैक्टर्स के बेसिस पे हम ये पता लगाते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर क्या प्रभाव आ सकता है। जी हाँ, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पे रैप अप करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि इफेक्ट ड्यू टू हाइट जी पे क्या होगा, इफेक्ट ड्यू टू डेप्थ जी पे क्या होगा, इफेक्ट ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ जी पे क्या होगा, जी कौन स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आइए सबसे पहला जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारी डेरिवेशन और उसे हम कहते हैं डेरिवेशन ऑफ द इफेक्ट। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ द इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ड्यू टू हाइट, यानी हाइट के कारण जी पे क्या प्रभाव आता है। इसके लिए आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि हमने ये कहा कि जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सेंटर से, ऑब्जेक्ट जो है ये अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है और ऑब्जेक्ट कहता है, ये भाई साहब कहते थे मैं यहां पर हूं, तो इनकी दूरी अर्थ के सेंटर से कितनी है अभी आर ई, तो हम कहते हैं एट सरफेस, द वैल्यू ऑफ जी इज कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया है। अब इन भाई साहब को यहां से हम उठा के कुछ हाइट पे ले गए तो ये भाई साहब यहां आ गए, तो इनकी जो दूरी है अर्थ के सेंटर से वो हो गई आपकी आर प्लस एच, ये जो दूरी हो गई, ये दूरी हो गई आर ई प्लस एच, या सिंपल शब्दों में गए आर प्लस एच। तो हम कहेंगे एट सम हाइट, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एट सम हाइट एच द वैल्यू ऑफ जी इज जी डैश विच इज इक्वल टू जी इन टू एम ई डिवाइड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, गौर से देखिएगा, मुझे मिला जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, और वी कैन से
दैट जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर का स्क्वायर अपॉन जी एम। गौर से देख लीजिए, कैंसल 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 कैंसल, तो मेरे पास आ गया आर का स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। तो हमारी जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर का स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। ऊपर क्या है आर स्क्वायर, अगर मैं नीचे से आर स्क्वायर कॉमन निकालता हूं तो ब्रैकेट में बचता है वन प्लस एच बाय आर का स्क्वायर। गौर से देखिएगा, आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया मेरे पास वन प्लस एच बाय आर का पावर माइनस टू। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास आ गया जी डैश इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस एच बाय आर का पावर माइनस टू। इस एक्सप्रेशन को हम बायनोमियली सॉल्व करेंगे। बायनोमियल थ्योरम 11th क्लास के मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है जिसमें आप पढ़ेंगे कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन का कुछ पावर ऐसा है जो हमने आज से पहले सॉल्व नहीं किया, तो उसकी एक बेसिक सी ट्रिक होती है, बायनोमियली सॉल्व करके ये वाली पावर सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वी विल गेट जी डैश, ये हमें देगा जी डैश इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस टू एच बाय आर। मेरी बात ध्यान सुन लीजिए, दिस इज द एक्सप्रेशन g dash is equal to g into 1 minus 2h by r is the expression of the acceleration due to gravity। गौर से देख लीजिए, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं। दिस डेरिवेशन इज समथिंग रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में आती है, और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ चुका है दैट g डैश इज इक्वल टू g इंटू वन माइनस टू एच बाय आर। मेरा आपको सजेशन है कि आप इस पूरी डेरिवेशन को एक बार गो थ्रू कीजिए। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप वीडियो लेक्चर में मैसेज के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, आप मेरा नंबर बाद में ले सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ चीजों को मेरे समझाने से काम नहीं चलेगा, चीजों को आपके द्वारा समझ आने से ज्यादा अच्छा काम चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आपको चीजें ज्यादा अच्छी और बेटर अप्रोच के साथ समझ आए। तो दिस इज अ डेरिवेशन विच गिव्स अस अ प्रूफ कि हाइट पे ले जाने के बाद एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या प्रभाव आएगा। तो आप एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये डेरिवेशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसपे बेस्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स जरूर पूछे जाते हैं। तो अब यहां पे पता चला कि पुराना वाला जी था ये, नया वाला जी है ये, तो बदलाव आया। अब देखना यह बदलाव कैसा आया, बढ़ोतरी का या घटोतरी का, यानी इंक्रीज हुआ है ये डिक्रीज हुआ है, ये जानना जरूरी है। देखिए, ऑब्वियसली बात है, साफ पता चल रहा है कि g डैश इज इक्वल टू g इनटू 1 माइनस 2h बाय r, यानी ये g अंदर जाएगा और ये g अंदर जाएगा, तो g में से वैल्यू माइनस हो गई 2h टाइम्स ऑफ g, तो बढ़ रहा है घट रहा है, बिल्कुल सही सोचा आपने, घट रहा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू घट जाती है जब ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से कुछ दूरी पर है लेकर जाते। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है घट जाती जब किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से कुछ दूरी पर है लेकर जाते, यानी द वैल्यू ऑफ द जी डिक्रीजेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज टेकन एट सम हाइट h। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब क्वेश्चन आता है, जी डिक्रीज हुआ तो ये कितना डिक्रीज हुआ, कितना बदलाव आया, आइए जानते हैं कितना बदलाव आया। तो मैं जो बदलाव आया उसकी बात करता हूं, यहां लिखूंगा जो बदलाव आया कितना बदलाव आया जी, पहले क्या था जी, अब क्या हो गया जी डैश, तो मैं लिखूंगा जो बदलाव आया वो है डेल्टा जी एंड दैट इज इक्वल टू जी माइनस जी डैश। किसके रिस्पेक्ट में आया, जी के रिस्पेक्ट में आया, किससे मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो मुझे क्या मिलेगा जी परसेंट बदलाव, क्या मिलेगा जी, जी परसेंट बदलाव, यानी कितने परसेंट बदलाव आया वो हमें पता चल जाएगा कि जी ओरिजिनल वैल्यू थी, जी डैश नई वैल्यू है, किसके रिस्पेक्ट में बदलाव आया जी, जी के रिस्पेक्ट में। सो दिस डेरिवेशन इज समथिंग रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके लिए जानना जरूरी है। आइए अगली डेरिवेशन हमारी करते हैं जिसको हम कहते हैं डेरिवेशन ऑफ द इफेक्ट ऑन द जी ड्यू टू द डेप्थ, यानी हमारी अगली डेरिवेशन जो कि एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी, और इसको हम कहते हैं डेप्थ के कारण, यानी डेप्थ के कारण क्या इफेक्ट आ रहा है। तो देखिए, एट सरफेस ये एक्सप्रेशन है, हम थोड़े से डायग्राम में बदलाव लेकर आएंगे और ये सारी चीजें मिटा देंगे। तो ध्यान से देखिए, जो चीजें सेम रहने वाली हैं उनको मैं एज इट इज लिख रहा हूं, जो चीजें बदलने वाली हैं उनको मैं मिटा रहा हूं। तो बोर्ड पे आप ध्यान दीजिए, हमने यहां पे लिख दिया कि सरफेस पे जी की वैल्यू इतनी है। तो देखो, अगर सपोज करो ये अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है, हम ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ ले आए यहां पर, लेट अस से कि मैं इसको कुछ डेप्थ डी पे लेकर आ गया, तो उसकी दूरी अर्थ के सेंटर से कितनी हो गई, आर माइनस डी, तो सरफेस पे वैल्यू कितनी थी जी। अब हम कहेंगे एट डेप्थ हम कहेंगे जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर। गौर से देख लीजिए, अब देखो, अगर मैं कहता हूं कि अर्थ पहले ऐसी थी
लेकिन अभी ऑब्जेक्ट कहां चुका है, यहां। तो अर्थ ऑलमोस्ट जो है वो इस तरह से हमारे लिए हो गई है, समझो यूनिफॉर्मिटी। उसकी अगर हम नोटिस करें कि इफेक्ट जो आ गया गहराई में जाने पर थोड़ा चेंज होगा। क्या चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, आइए जानते हैं। हम जानते हैं, मैं यहां लिखूंगा, हम जानते हैं कि डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। सो देयरफॉर अर्थ का मास इज इक्वल टू अर्थ की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 4/3 πr³। ये है ओरिजिनल मास, लेकिन क्योंकि अब अर्थ छोटी हो गई है उसके मास पर प्रभाव आ गया, तो उसका नया वाला मास इज इक्वल टू डेंसिटी तो वही रहने वाली है 4/3 πr - d³। ये उसका नया वाला मास। गौर से देख लीजिए, मैं बताने क्या चाह रहा हूं। मैंने ये कहा कि ऑब्जेक्ट को आप कुछ गहराई पे ले गए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप कुछ गहराई पे ले गए, तो गहराई पे जाने पर अर्थ का कुछ तो मास कम हुआ है, मतलब उसके ऊपर जो प्रभाव आएगा, मैं गहराई में चला गया तो जो पृथ्वी मेरे ऊपर है वो तो प्रभाव नहीं डालेगी, जो पृथ्वी मेरे नीचे है वो प्रभाव डालेगी। तो पृथ्वी कितनी है उसका मास निकाला, डेंसिटी तो चेंज नहीं होगी मटीरियल की, बट वॉल्यूम में बदलाव आ रहा है। पहले वॉल्यूम में रेडियस क्या था, आर, अब रेडियस क्या है, आर माइनस डी। तो पहले मास क्या था, डेंसिटी इंटू 4/3 πr³, अब मास कितना है, डेंसिटी इंटू 4/3 πr⁻¹³। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब देखिए यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, मेरी बात को ध्यान से देखेंगे। देखिए ये हमारे पास जी डैश है, मैंने लिखा जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। तो हमने यहां पर लिखा जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर का स्क्वायर अपॉन जी एम। कैंसिल, एम तो नहीं कैंसिल होगा, ये नया वाला मास है ये हमारे पास रहेगा, ये वाला एम भी कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ जी कैंसिल होगा। तो जी कैंसिल हुआ, जी कैंसिल हुआ। अब मैंने यहां पर लिखा जी डैश अपॉन जी, गौर से देखिएगा एम, एम क्या है हमारे पास, ये तो मैंने यहां पे एम की जगह लिखा, यहां पे जो एम वाला कौन सा एम है, अलग एम है। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में एम डैश है, नीचे वाले फॉर्मूले में एम है। तो एम डैश की जगह वैल्यू पुट करी, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 4/3 πr मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस डी का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास आया आर माइनस डी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एम की जगह डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 4/3 πr³। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार प्लीज इसे घूर लीजिए, एक बार प्लीज इसे देख लीजिए, दिस इज समथिंग रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहां पे मास हमारा ये है, यहां पे मास हमारा ये है, इस मास की वैल्यू को यहां पुट किया, इस मास की वैल्यू को यहां पुट किया, तो डेंसिटी इंटू 4/3 πr, डेंसिटी कट गई, ये आर स्क्वायर, ये आर क्यूब, ये आर माइनस डी क्यूब, आर माइनस स्क्वायर। क्या बचा देखो, हमारे पास आया जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास बचा आर माइनस डी, ऊपर बचा आर माइनस डी डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास बचा आर। तो ध्यान से देखिए, मैं इस एक्सप्रेशन को यहां पे आपको दोबारा लिख रहा हूं, तो मेरे पास आया जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन आर, और वी कैन से कि नया वाला g इज इक्वल टू पुराना वाला g मल्टीप्लाइड बाय r माइनस d अपॉन r। अगर मैं r कांस्टेंट निकालता हूं तो मुझे मिलेगा g मल्टीप्लाइड बाय r, ब्रैकेट में मुझे मिलेगा 1 - d/r। गौर से देख लीजिए, या हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि r से r डिवाइड हो ही रहा है, तो ऐसा करेंगे हम लोग, ये हो गया हमारे पास r अपॉन r माइनस d अपॉन r। तो हमारे पास आंसर आ गया नया वाला g इज इक्वल टू पुराना वाला g ब्रैकेट में 1 - d/r। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसके कारण, डेप्थ के कारण। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, दिस इज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसके कारण, डेप्थ के कारण। आई सजेस्ट यू कि प्लीज हैव अ केयरफुल लुक ऑन दिस डेरिवेशन, this derivation is again very very important derivation। जैसे मैंने आपको height वाली derivation कराई है, ठीक उसी प्रकार आपके लिए ये depth वाली derivation भी समझ आना जरूरी है। exam में height वाली derivation का expression derive करने को आता है, एग्जाम में डेप्थ वाली डेरिवेशन का भी एक्सप्रेशन डिराइव करने को आता है। तो हमारा इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक अभी चल रहा है वो यही चल रहा है कि वी आर स्टडीइंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ द स्मॉल जी। तो हमें पता चल गया कि हाइट पे जाने पर जी की वैल्यू है घट जाती, तो कौन सा गहराई में जाने पर है बढ़ जाती। गौर से देखो, हाइट पे जाते तो जी घट जाती, गौर से देखो गहराई पे जाते तो जी घट जाती। समझ इस बात से ये आता है कि जब सरफेस पे रहते तो जी
मैक्सिमम हो जाती है। यही रीजन है कि किसी भी ऊंचाई से गिरने वाली हर वस्तु सतह पे आके अटक जाती है, गहराई तक नहीं जाती, भले ही जी कहां से काम कर रहा है, सेंटर से, क्योंकि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां कर रही है, सरफेस पे। इसलिए हम लोग कहां बने रहते हैं, सरफेस पे। हम लोग कहां हैं, सरफेस पे। तो पृथ्वी है ये चाहती कि हर चीज मुझे सरफेस पे बनी रहे, पृथ्वी है ये चाहती कि हर चीज मेरी सतह पे संभी रहे। तो सतह पे लगाने जाए वाले, सतह पे लगाए जाने वाले फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को, सतह पे लगाए जाने वाले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैक्सिमम लिया गया सरफेस पे। कम हो रहा है हाइट पे जाके, कम हो रहा है डेप्थ पे जाके। गौर से देखिए, यहां पे वैल्यू घट रही है, वहां भी वैल्यू घट रही थी। कितनी घट रही है उसको क्या कहेंगे, बदलाव है जी। किसके रिस्पेक्ट में घट रही है, जी के रिस्पेक्ट में। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, जी परसेंट का बदलाव। आई होप दिस इज वेरी वेरी मच क्लियर टू यू। ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आती ही आती है। नेक्स्ट चीज जो अब हम करने जा रहे हैं वो है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो थर्ड फैक्टर है, ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की शेप के कारण। अर्थ की शेप के कारण आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अर्थ पूरी तरह से गोल नहीं मानी गई है, रैदर आलू की तरह है। आलू की तरह मतलब आप कहना चाहते हो कि अर्थ ऐसी नहीं है, बिल्कुल सही। अर्थ रैदर मानी गई है कुछ इस प्रकार, यानी इस प्रकार मानी गई है। तो ये वाला जो रेडियस है और जो ये वाला रेडियस है, इसे कहा गया है इक्वेटोरियल रेडियस। क्या कहा गया है, इक्वेटोरियल। और इसे कहा गया है पोलर रेडियस। ये आपका पोल्स को टच कर रहा है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज आपका साउथ पोल, दिस इज आपका हम कह सकते हैं ईस्ट पोल और इसे हम कह सकते हैं वेस्ट पोल। तो ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा पोल्स है। तो आप नोटिस करिए कि रेडियस ऑफ पोल्स और रेडियस ऑफ इक्वेटर में, रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल्स, रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल्स। यही रीजन है कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि g इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर होता है, यानी g इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। r होगा ज्यादा तो g होगा कम, r होगा कम तो g में आएगा दम, बिल्कुल सही। R होगा ज्यादा तो G होगा कम, R होगा कम तो G में आएगा दम। मतलब क्या हुआ, मतलब इक्वेटर का रेडियस है बड़ा तो इक्वेटर की ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है कम। इसलिए हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आई रिपीट माई सेंटेंस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेस than the acceleration due to gravity. I repeat my sentence, is less than the acceleration due to gravity at poles. तो poles का r है कम तो poles के g में है दम, equator का r है ज्यादा तो उसके g के ताकत है कम, poles पे r है छोटा इसलिए acceleration due to gravity है ज्यादा। तो आप सोचिए कि कोई भी चीज को पृथ्वी से उछालना थोड़ा डिफिकल्ट है। पेपर में क्वेश्चन आता है, why it is difficult to bounce a basketball on a basketball court situated in the North Pole. Very simple. So it is quite difficult to bounce a basketball on the North Pole just because the acceleration due to gravity at the North Pole is greater. That is why वहाँ पे ball की bouncing में समय लगेगा। Ball जब bounce करेगी तो हर बार उस पर जो आकर्षण का force है वो वैसे भी ज्यादा काम कर रहा है, आसानी से पृथ्वी का साथ छोड़ के ऊपर नहीं जा पाएगी। तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, हमारा जो formula चल रहा है वो चल रहा है g is equal to g m by r square. g क्या है, कांस्टेंट, कौन सा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m क्या है, मास, किसका, अर्थ का। r क्या है, रेडियस, किसका, अर्थ का। कांस्टेंट है भाई, g कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, सब कुछ पुट किया, g की वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई रिपीट माय सेंटेंस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे लिए पता होना जरूरी है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने अब तक इस पूरे वीडियो लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कवर कर दी है वो है हमारा टॉपिक ऑफ ग्रेविटेशन। मैंने जो टॉपिक कवर कर दिया है वो है हमारा द टॉपिक ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये इस चैप्टर का कोर है, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस चैप्टर के अंदर और भी कई सारी चीजें हैं, बट दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई कवर टूडे इस वीडियो लेक्चर। हम बहुत जल्द लौटेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, जो कि ग्रेविटेशन का पार्ट टू वीडियो लेक्चर होगा। और उस वीडियो लेक्चर में मैं जो टॉपिक कंटिन्यू करूंगा दैट विल बी द टॉपिक ऑफ थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यानी केपलर के लॉस।
केपलर ने क्या लॉज दिए प्लैनेट्स के मोशन को स्टडी करते हुए, उसको हम कहते हैं केपलर्स थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन। और हमारे अगले वीडियो लेक्चर में हम लौटेंगे केपलर्स थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन के साथ। टिल देन इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आपने अगर ये वीडियो लेक्चर देखा है और अगर आपको ये समझ आ गया है तो सिर्फ अपने आप को मत समझाइए, औरों की भी हेल्प कीजिए। आई वॉन्ट यू टू शेयर दिस वीडियो लेक्चर विद मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को खूब फायदा मिल सके। कभी भी आपको कोई डाउट आता है आप इस वीडियो लेक्चर में एज ए मैसेज मुझे पूछ सकते हैं, आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू चिल्ड्रन।